Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Vionet Health. दोस्तों सुहागिन स्त्रियों का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ जल्दी ही दस्तक देने वाला है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर सरगी का सेवन करती हैं। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या होती है सरगी और सरगी की थाली में किन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, क्या होती है सरगी। दोस्तों सरगी खाने की वो खास चीज होती है जो करवा चौथ पर सुबह 4 बजे सास अपनी बहू को देती है। सरगी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद ही करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है। सरगी का सेवन आप 4 से 5 बजे के करीब कर सकते हैं। नंबर दो, करवा चौथ की सरगी में जरूर शामिल करें ये चीजें। नंबर एक, खीर या दूध की फैनी। दोस्तों सरगी में खीर या फैनी का सेवन करने से शरीर में शुगर की जरूरी मात्रा और ऊर्जा का स्तर बना रहता है, जिसकी वजह से मूड अच्छा भी रहता है और हमें भूख प्यास नहीं लगती है। नंबर दो, ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों सरगी में कुछ ड्राई फ्रूट जरूर शामिल करने चाहिए। ऐसा करने से आपको दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपको थकान नहीं होगी और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। नंबर तीन, मिठाई। दोस्तों खाने के बाद आप मीठा जरूर खाएं। मिठाई में कार्बोहाइड्रेट होता है और चीनी में एमिनो एसिड होता है, जो कि हमें चक्कर आने से बचाता है, इसलिए आप कुछ भी मीठा जरूर खाएं। नंबर चार, फल। दोस्तों फल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये साथ ही बहुत जल्दी पच जाता है, लेकिन कम समय में जरूरी पोषण और ऊर्जा के लिए ये फल जरूरी होते हैं। सामान्य पानी की जगह आप नारियल पानी पिएं। शरीर को जरूरी मिनरल्स मिलने के साथ साथ आपका पेट भी भर जाएगा। नंबर पाँच, ककड़ी। दोस्तों करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में प्यास से बचने के लिए आप ककड़ी का सेवन कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।